नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के बारे में और उनकी मूवी दबंग फोर के बारे में। दोस्तों देखा जाए सलमान खान को दबंग फोर की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तो उन्होंने इस मूवी की कहानी को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही दबंग फ्रेंचाइजी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो दबंग फोर की जिम्मेदारी थी वो इस बार दी गई थी तिमांशु धूलिया को, और देखा जाए इस मूवी को तिमांशु धूलिया की को कहानी भी लिखनी थी इस मूवी की और इस मूवी को डायरेक्ट करना था, लेकिन तिमांशु धूलिया द्वारा लिखी भाई कहानी सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए सलमान खान ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया है। अगर हम दबंग सीरीज के बारे में बात करें तो दबंग जब मूवी बनी थी इस मूवी को डायरेक्ट किया था अभिनव कश्यप ने, और वो मूवी आप लोगों को पता ही है कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, लेकिन फिर सलमान खान और अभिनव के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके चलते दबंग सलमान खान ने दबंग फ्रेंचाइजी से अभिनव को हटा दिया और दबंग फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी दे दी अरबाज खान को, और दबंग 2 अरबाज खान ने डायरेक्ट करी और देखा जाए ये भी मूवी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, और फिर दबंग 3 को डायरेक्ट किया प्रभु देवा ने, और देखा जाए ये जो मूवी थी फिलहाल हिट साबित हुई थी, लेकिन ये उतनी बड़ी हिट नहीं साबित हुई थी जितनी बड़ी दबंग 1 और दबंग 2 साबित हुई थी। और देखा जाए इस मूवी के बाद सलमान खान की मूवी राधे और अंतिम और हाल ही की मूवी ले लीजिए किसी का भाई किसी की जान, ये सारी की सारी मूवी देखा जाए एक तरीके से फ्लॉप साबित हुई है दोस्तों। इसीलिए सलमान खान अब बहुत ही फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। फिलहाल सलमान खान की मूवी आने वाली है टाइगर 3 और सलमान खान को इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जब टाइगर 3 मूवी रिलीज होगी ये सलमान खान के कैरियर की सबसे बड़ी हिट मूवी तो साबित होगी, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है ये मूवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित होगी। ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप मुझे कमेंट में बताइए कि दबंग 4 मूवी देखने के लिए आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, और क्या सलमान खान की मूवी जो टाइगर 3 दीपावली में रिलीज हो रही, क्या ये मूवी वाकई में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक रिकॉर्ड बनाएगी कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आप तक हमारी वीडियो पहुँच सके, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और सलमान खान से जुड़ी या उनकी मूवी से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल करके सामने आती है तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।